क्या कुछ कहेंगे? आज रैली है, संकल्प रैली है, आप भी पटना जंक्शन आज पहुंचे हैं, क्या कुछ संकल्प रैली? ये जैसे कि पहले से तय था और ये महासंग्राम है, इसमें आज देश की विकास और बिहार की विकास जो हुआ है उस चीज को आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी, ये तीनों आदमी यहाँ रखेंगे और बिहार को और देश को एक नई संदेश देंगे। क्या लग रहा है कि गांधी मैदान आना छोटा पड़ जाएगा? गांधी मैदान ऐसा तीन गांधी मैदान आज छोटी पड़ जाएगी, इस खातिर कि जब एक से मारते हैं तो छोटा चोट लगता है और ऐसे मारते हैं तो पंजा जिसे जबड़ा हिला देता है, उसी तरह यहाँ महासंगम है। पासवान जी और नीतीश जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक कहना ही नहीं है, जिनको देखने के लिए, जिनको सुनने के लिए पूरे बिहार के लोग बेतहाशा इंतजार कर रही है। आज पासवान जी भी मन साझा कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? साझा है ही, हम लोगों का 2014 से साझा है, आज कोई नई साझा है। कितने लोग जुटा रहे हैं सर आपकी तरफ से, कितने लोग और कितने लोग जुटेंगे ये तो देखने का चीज है, जिसे कि इसमें कहने का चीज थोड़े ही है, देखने का चीज है। आज चिराग पासवान ने भी आज कहा था कि हर गांव से लोग आ रहे हैं बिहार के। हमारे पार्लियामेंट बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमारे बिहार के भविष्य आने वाले दिन में, इसलिए हुए जो कहे उसमें 100% सच्चाई है। अभी मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन, देख नहीं रहे हैं कि देश आज़ादी के बाद विकास की जिस रफ्तार से देश चला उससे 20 गुना ज़्यादा तेजी से चल रहा हर दिशा की ओर। अंतर्राष्ट्रीय में जाइए, विदेश नीति कूटनीति में जाइए, दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देना है और विकास की ओर जाना है, ये सब एक साथ एक दिशा की ओर आंधी की तरह चल रही है। थैंक यू दादा।